आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि 28th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन, ये अपने के पास एक प्रोग्रेशन दे रखा है, ये सिक्वेंस दे रखा है। इस सिक्वेंस का अपने के पास क्या करा है कि 28th टर्म निकालना है, वो भी एंड से। तो अपने के पास सिक्वेंस क्या दे रखा है, 20, 19 इंटू अपने के पास 1/4 के बराबर, कॉमा अपने के पास 17 इंटू 3/4 के बराबर, कॉमा डॉट 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 अपने पास माइनस टाइम्स 129 इंटू 1/4 के बराबर। ये अपने पास एक सिक्वेंस दे रखा है और पीछे से क्या कर रहा है, एंड से हमें 20th टर्म निकालना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस सिक्वेंस को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे इस सिक्वेंस को रिवर्स करेंगे तो ये क्या समझेंगे, माइनस टाइम्स 129 इंटू 1/4 के बराबर। अगला जो टर्म आ गया वो क्या आ गया, हमें नहीं पता, ये आ गया 17 इंटू 3/4 के बराबर, कॉमा डॉट कॉमा अपने पास किस आ जाएंगे बताइए, ये आ गया अपने पास 19 इंटू 1/4 के बराबर, कॉमा अपने पास 20 के बराबर। ये भी अगर अपने पास किसी भी एपी को रिवर्स कर देते तो वो भी अपने पास क्या रहता है, एक एपी ही रहता है। ठीक है, अब अपने पास इसका जो फर्स्ट टर्म है वो अपने पास किधर आ जाएंगे, तो ए इक्वल टू किधर आ जाएंगे, तो इसको अपने पास माइनस टाइम्स 129 इंटू 1/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 9 6 36 1 37, यहाँ से अपने पास 129 को अपने पास 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 36, और ये आ गया अपने पास 4 2 8 3 11, और 4 1 4 और 1 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास बराबर 9 6 36, 4 2 8 1 4 2 8 3 11 4 1 4 1 5 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 517 के बराबर, प्लस 1 भी होगा लेकिन माइनस टाइम्स और 1/4 के बराबर। अब अपने पास कॉमन डिफेंस क्या आएगा, तो कॉमन डिफेंस अपने पास क्या कीजिए, इसका कॉमन डिफेंस निकालिए, उसमें एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये आ गया 19 6 76, ये आ गया 9 6 36, और 4 1 4 3 7 के बराबर, ये आ गया अपने पास 76 77, और 1/4 और माइनस टाइम्स अपने पास करेंगे 20 के बराबर, ये आ गया 77 और माइनस टाइम्स 20 6 80 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, और अपॉन में 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 77 में से 20 जाएगा तो अपने पास -3 आ जाएगा, तो -3/4 के बराबर, यानी ये जो कॉमन डिफेंस हो जाएंगे वो अपने पास क्या जाएंगे, 3/4 के बराबर, क्योंकि अपने पास ये जो कॉमन डिफेंस है वो क्या आया, ऊपर वाले का कॉमन, इसका कॉमन डिफेंस आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, नीचे वाले का कॉमन डिफेंस। जैसे एपी को रिवर्स किए तो कॉमन डिफेंस एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाता है बराबर, इसमें किसी को इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, जब अपने के पास इस एपी को रिवर्स किए तो अपने के पास क्या करा, पीछे से 20th टर्म निकालना, तो हम जैसे रिवर्स किए तो वो आगे से 20th टर्म हो जाएंगे, तो बताइए ए 20 अपने के पास किधर आ जाएंगे, तो ए प्लस किसके बराबर, 19d के बराबर। यहाँ से आगे अपने के पास ए किसके बराबर है, तो ए आगे अपने के पास माइनस टाइम्स 517 और होल 4 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आगे अपने के पास 19 इंटू 3/4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आगे माइनस टाइम्स 517 और प्लस टाइम्स 19 2 38 57, तो 57 और 4 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम सॉल्व करेंगे किस तरह आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 7 में से 7 जाएगा 0, और ये आ गया अपने के पास 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, हाँ है ना, और यहाँ से आ गया अपने के पास 4, तो ये आ गया अपने के पास 4 6 0 के बराबर और होल 4 के बराबर, लेकिन वो भी माइनस टाइम्स बताइए, तो यहाँ से अपने के पास करा देंगे, तो 4 एकम 4 और ये आ गया अपने के पास 4 एकम 4, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 4 5 20 के बराबर, यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 115 के बराबर। यानी अपने के पास जो लास्ट से जो 20th टर्म पे होगा, कौन सा लास्ट से जो अपने पास 20वां जो टर्म होगा वो अपने पास 115 के बराबर होगा, लेकिन माइनस टाइम्स 115 क्या दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या देंगे करेक्ट आंसर। ये क्लास 10th के क्वेश्चन था। अब देखिए क्लास 10th का भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, ये अपने पास एकदम इजी टू इजी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाए ना तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन कराए तो जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीधा सी बात है। अगर अपने पास बहुत ही आसान क्वेश्चन आना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट्स स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।